ये नुस्खा अगर बालों में लगा लिया तो फ्रेंड ये सर पे चार गुना तेज़ी से नए बाल उगाकर बालों को लंबा घना और मोटा बनाएगा हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में गए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मैजिकल नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से खत्म कर देगा सर पर बहुत जल्दी से नए बाल उगाएगा पतले बालों को मोटा घना और लंबा बनाएगा और फ्रेंड जिन लोगों के आगे के बाल यानी कि हेयर लाइन के जो आगे के फ्रंट के बाल होते हैं वह झड़ जाते हैं उसको भी बहुत तेज़ी से उगाएगा सर का गंजापन दूर करेगा और बालों को बहुत चमकदार और जड़ों से मजबूत बनाएगा सो वाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और किसी तरह का को कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो फ्रेंड चलिए इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर ताज़ा एलोवेरा की लीव ली है एलोवेरा में विटामिन ए विटामिन ई होता है और साथ ही इसमें विटामिन बी ट्वेल्व होता है एलोवेरा में फॉलिक एसिड भी पाया जाता है और इसमें विटामिन सी भी होता है फ्रेंड ये हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है सर पे नए बाल तेजी से उगाता है और डैमेज बालों को रिपेयर करता है सूखे सूखे बेजान बालों पर यह एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है बालों को बहुत सॉफ्ट सिल्की और शाइनी स्मूथ बनाता है तो फ्रेंड एलोवेरा जो होता है वो बालों के लगभग हर समस्या को दूर करने में कारगर है लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका सही से होना चाहिए तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर दो लीप लिया हुआ है फ्रेश लीप लिया है अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला ले सकते हो लेकिन आप ताज़ा एलोवेरा जेल यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस रेमडी का जो फ़ायदा है वो दो गुना ज़्यादा आपको मिलता है तो फ्रेंड इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलोवेरा को छील लें इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले मैंने इसके कांटे को निकाल दिया है और उसके बाद एक तरफ से मैंने इसको छील दिया है मैंने इसको दोनों तरफ से नहीं छीला है फ्रेंड सिर्फ एक तरफ से छीला है एक तरफ से मैंने इसको नहीं छीला बाकी इसके कांटे निकाल कर एक तरफ से मैंने इसको छील दिया है उसके बाद मैं ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करके इसका सारा पल्प निकाल लूंगी फ्रेंड इसी तरह से आप चाहें तो इसका जेल निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से इसका जेल निकल आता है और इसको मिक्स करने में भी आसानी होती है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में निकलता है आप चाहें तो पुरान चम्मच की हेल्प से इसका जेल निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हो तो फिर आप देख सकते हो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में इसका सारा जेल निकल आया है यहाँ पर मैं दो चम्मच की मात्रा में ताज़ा एलोवेरा जेल ले रही हूँ एलोवेरा के फ्रेंड फायदे तो मैंने आपको बता दिए तो दो चम्मच की मात्रा मैंने यहाँ पर ताजा एलोवेरा जेल लिया है आप अपनी जरूरत के अनुसार इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो तो फिर एक चीज़ हमने यहाँ पर लिया है प्याज यानी कि अनियन यहाँ पर मैंने आधा प्याज लिया है प्याज में सल्फर प्रचुर मात्रा में होता है साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे स्कैल्प के फंगस को दूर करता है डेंड्रप को दूर करता है स्कैल्प की खुजली को दूर करता है और झड़े हुए बालों को बहुत तेजी से वापस लाता है सर पे नए बाल उगाता है बालों की जो लंबाई होती है उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है साथ ही बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है और हेयर लॉस को भी रोकता है तो फ्रेंड मैंने यहां पर प्याज को भी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है और इसको स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लूंगी मैं इसको कपड़े की हेल्प से निकाल रही हूं कपड़े की हेल्प से इसको स्क्वीज करने पे इसका पूरा जूस बहुत आसानी से निकल आता है आप चाहें तो चाय छन्नी की हेल्प से भी इसका जूस निकाल सकते हो तो दो चम्मच की ही मात्रा में हम यहाँ पर अनियन जूस यानी कि प्याज का रस लेंगे प्याज का रस गंजेपन को दूर करने में फ्रेंड बहुत ज़्यादा कारगर है ये सर पे बहुत जल्दी से नए बालों को उगाता है और बालों को मोटा घना बनाने का काम करता है साथ ही बालों को असम सफ़ेद होने से भी प्याज का रस रोकता है नेक्स्ट फ्रेंड हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल में विटामिन भरपूर मात्रा में होता है कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड अमीनो एसिड होता है ये हमारे बालों का झड़ना टूटना रोकता है बालों का समय सफ़ेद होने से रोकता है बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार और मजबूत बनाता है काला घना लंबा बनाने में नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर दो चम्मच की मात्रा में नारियल का तेल डाल दिया है नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड हम यहाँ पर ले रहे हैं कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल जो होता है फ्रेंड वो हमारे जड़े हुए ये बालों को बहुत तेजी से उगाने का काम करता है और बालों को रिपेयर करता है बालों की फ्रिजनेस को दूर करता है सिल्की साइनी स्मूथ बनाता है और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करके बालों को मोटा घना लंबा बनाने का काम करता है सर का गंजापन दूर करने में फ्रेंड कैस्टर ऑयल रामबाड़ का काम करता है तो फ्रेंड एक चम्मच की मात्रा मैंने यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर दिया है अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड यहाँ पर प्याज कैस्टर ऑयल और एलोवेरा जेल ये दोनों चीज़ें सबसे कंपलसरी सबसे इम्पॉटेंट चीज़ है अगर आपके पास कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल में से कोई भी एक ऑयल है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो लेकिन जो कैस्टर ऑयल होता है वो और ज़्यादा तेज़ी से बालों को उगाने का काम करता है तो आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी ऐड करते हो तो ज़्यादा फायदेमंद होता है तो आपकी जो ये रेमेडी है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और भी ज़्यादा तेज़ी से आपके सर पर नए बाल उगाने में काम करती है तो फ्रेंड नुस्खा हमारा बनकर तैयार हो गया है चलिए जान लेते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं फ्रेंड नुस्खा हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में रामबाण का काम करता है झड़े हुए बालों को बहुत जल्दी से वापस लाता है और बालों और पतले बालों को मोटा घना लंबा बनाता है और आप फ्रेंड स्कैल्प से यह सर पे नए बाल उगाने में काम करता है अगर आपके सर पर कहीं गंजापन है या पैचेस है या आपके फ्रंट लाइन से बाल कम होते जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हो बहुत जल्दी से ये सर पे नए बाल लाता है और ये उसका फ्रेंड अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो असमय बालों की जो सफ़ेद होने की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है बाल सिल्की साइन स्मूथ होते हैं जड़ों से स्ट्रॉग होते हैं और हेयर फॉल यानी कि हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम होती है यानी बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है झड़ने टूटने की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है और बालों को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनाता है और बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है और फ्रेंड ये नुस्खा सिर्फ नए बाल ही नहीं उगा बल्कि ये हेयर ग्रोथ को भी बहुत तेजी से प्रमोट करता है तो फ्रेंड चलिए जान लेते इसको कैसे लगाना है फ्रेंड इसे फ्रेंड चलिए जान लेते इस नुस्को कैसे अप्लाई करना है आपको फ्रेंड अपने सर पे सबसे पहले कॉम करके अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेना है उसके बाद मांग कर करके इसको आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है स्केल पर लगाना है ताकि ये सर पे जल्दी से नए बाल उगाए आपके स्केल में जल्दी से पेनिट्रेट होके बहुत तेज़ी से जाए और जल्दी से नए बाल उगाए आपकी जड़ हुई बालों को ये बहुत जल्दी से उगाता है पतले बालों को मोटा घना और लंबा बनाने का काम करता है तो आपको इसको, इसको स्केल पर लगाना है आप चाहें तो रुई की हेल्प से लगा सकते हो तो या फिर फिंगर की हेल्प से भी इस तरह से लगा सकते हो फ्रेंड इसे लगाकर आपको हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प की मसाज करनी है पूरे सर के स्कैल्प पर आपको अच्छे से लगाना है जहाँ पर पैचेस पड़े हुए हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लगाना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है आप इस नुस्खे को फ्रेंड डेली यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहें तो इसको लगा रात भर के लिए भी छोड़ सकते हो मॉर्निंग में शैम्पू कर सकते हो लेकिन अगर आपको प्याज के रस की जो स्मेल है उसकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको लगा कर घंटे के लिए छोड़ दीजिए दो घंटे बाद शैम्पू कर लीजिए और आप चाहें तो इसको डेली भी लगा सकते हो लगाने के कुछ घंटों बाद ये आराम से सूख जाता है और उसके बाद आप अपने बालों को टाई कर सकते हो तो इस तरह से फ्रेंड जब भी आपको इस तरह से... तो फ्रेंड कुछ लोगों का सवाल होता है कि नुस्खा कितने दिनों में काम करेगा तो फ्रेंड मैं बता दूं कि ये नुस्खा जो है रातों रात काम नहीं करेगा फ्रेंड इस नुस्खे को आपको लगातार एक महीने तक यूज करना है जहां पर भी आपके सर पे बाल झड़ गए हैं वहां पर आप इसको लगाइए पू या पूरे सर के स्केल पर लगाइए एक महीने तक रेगुलर यूज कीजिए गाइस आपको खुद बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा सर पे नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और हेयर थिनिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने लगेगी और बालों की जो लंबाई वो बहुत तेजी से बूस्ट होने लगेगी यानी कि आपके बाल तेजी से लंबे घने और मोटे होने लगे फ्रेंड आपके झड़े हुए बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे लेकिन इसके लिए फ्रेंड आपको रेगुलर एक महीने तक यूज करना है एक महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी इस रेमेडी को आपको रेगुलर रखना है तब तक रखना है जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल जाता इसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी नुकसान नहीं है एक बात मैं यहाँ पर खासकर कहना चाहूंगा कुछ लोगों को ताजा एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप मार्केट वाला ले सकते अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं बहुत बुरी तरह से पतले हो गए हैं आपके सर के जो स्कैल्प है वो दिखने लगा है तो आप इस हेयर रिग्रोथ मास्क को डेली लगाइए लगाइएगा डेली लगाइए मैं कहती हूँ आप डेली लगाओगे तो आपको एक महीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा लेकिन जो लोग इसको डेली नहीं लगा सकते हैं वह इसको वीक में तीन से चार बार ज़रूर अप्लाई करें और एक महीने तक रेगुलर आप इसको लगाइए फिर आप देखिए फ्रेंड आपके सर पे नए बाल आना शुरू हो जाएंगे आपके बाल लंबे घने और रेशम की तरह मुलायम और चमकदार होंगे बाल जड़ों से मज़बूत होंगे हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी दूर होने लगेगी और फ्रेंड आप देखोगे एक हफ्ते में ही आपको थोड़े बहुत रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फ्रेंड ये नेचुरल रेमिडीज है रातों रात काम नहीं करती है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें और रेगुलर इसको एक महीने तक यूज़ करें एक महीने बाद आप इसको जब तक चाहें तब तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं सो so गाइस ये थी हमारी आज की यूजफुल वीडियो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फ्रेंड अपना फीडबैक या कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर टेक केयर बाय बाय